चलिए बनाते हैं गार्लिक का अचार। मैंने गार्लिक को पील कर लिया है और एक दिन धूप में उसे सुखा लीजिए ऐसे ही। और उसके बाद उसे क्या करेंगे, सारे मसाले मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है, सारे मसाले को ग्राइंड कर लीजिए और तेल गरम करके, तेल गरम हो जाए तो सारे मसाले उसमें डाल दीजिए। जब वो थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए तो तेल बंद कर दीजिए। सारे लहसुन डाल के उसे चला लीजिए और धूप में उसे सुखा दीजिए। और ये बन गया आपका लहसुन का अचार। अब इसे हमेशा धूप में दिखाते रहिए।